जी अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप 2021, और ये मैं पूरी लाइव क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे। बस ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, और मगर उससे फ़ायदा ही होगा कि वो क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे, तो उससे आप लोगों को भी, जो वीडियो देखने वाले, उनको भी मौका मिलेगा सीखने का। और जहाँ जहाँ मैं इनको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, तो आप भी वहाँ वीडियो को स्टॉप करें और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद वीडियो को आगे देखें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप। ठीक है, अच्छा, हम कंट्रोल एन कर लें या क्रिएट न्यू कर लें। अब यहाँ पर आपको वो अब डॉक्यूमेंट साइज अपने यहाँ पर ले सकते हैं, विड्थ और हाइट ये आ रही है आपके पास। ठीक है, अब ये आगे जी रूलर का जो यूनिट आ रहा है वो पिक्सल्स में आ रहा है, अभी चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इंचेज़ में कर लेता हूँ, अब ये इंचेज़ में हो गया है, तो ये आपका पेज साइज़ आ रहा है, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। 5x5 कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5x5 इंच का पेज खुल जाएगा। अदरवाइज़ कुछ कस्टम पेजेस भी यहाँ मौजूद हैं, कस्टम साइजेस। अच्छा, फ़ोटोशॉप पे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेब के लिए भी काम कर रहे होते हैं, अगर आपको कोई वेब डिज़ाइनिंग करनी है, मोबाइल ऐप्स बनानी है, ठीक है, फिल्म एंड वीडियो के लिए काम करना है, ठीक है, कोई आर्ट वर्क बनाना है, ठीक है, कोई इन्फोग्राफिक्स बनानी है, ये सब आपने यहाँ से, इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, वो साइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेब ले लेता हूँ, तो वेब के साइज़ आ गए डिफरेंट यहाँ पर, तो जो साइज़ आपको सूट करता है आप उसको सेलेक्ट करें और उसको ओके कर दें। जब भी हम काम करेंगे स्क्रीन के लिए, स्क्रीन का मतलब हो गया वेब हो गया, मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, तो उसका जो भी काम होगा वो पिक्सल्स में होगा। ठीक है, अदरवाइज जो हम प्रिंटिंग में काम कर रहे होंगे, प्रिंटिंग के लिए, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेपर ले लेता हूँ, इंटरनेशनल पेपर, और यहाँ हमारे जो A4 साइज़ यूज़ होता है, तो ये आपको मिलीमीटर में ले सकते हैं, आप इंचज में ले सकते हैं, सब कुछ हो। ठीक है, और मगर जब आप बात करेंगे स्क्रीन की, देखिए मैं अगर फिल्म एंड वीडियो पे जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पिक्सल पे आ जाएगा, सी, और अगर मैं जाता हूँ मोबाइल ऐप पे तो ये पिक्सल्स पे रहेगा। ठीक है, अच्छा, खैर हम यहाँ से ले लेते हैं इंटरनेशनल पेपर और A4 साइज़। रूलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपने कंट्रोल आर करके जिस एडमिनिस्ट्रेटर में करते थे वही तरीका है, यहाँ भी कंट्रोल आर करेंगे और राइट क्लिक करके चेंज कर लेंगे, या एक और तरीका वो बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये आपका विड्थ और हाइट आ गई, आप चेंज भी कर सकते हैं विड्थ और हाइट। ठीक है, तो अभी तो खैर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो A4 साइज़ का वो साइज़ आ रहा है, ये रेजोल्यूशन आ रहा है उसका 300, क्योंकि अगर हम प्रिंटिंग के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो मिनिमम 300 होगा। ठीक है, 300 पिक्सल्स पर इंच या डॉट पर इंच भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इससे कम करेंगे तो आपका जो लेआउट है, जो भी ग्राफिक्स है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी प्रिंटिंग में। ठीक है, व्यू में तो सही लगेगी मगर क्वालिटी प्रिंटिंग के वक्त आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक, तो आपने क्या करना है, मिनिमम क्या रखना है, 300 dpi जी फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग नहीं बेटा, वो उसे क्या होगा, हैवी कर देगा। हाँ, वो हम जब कर रहे होते हैं, फिर जब होर्डिंग बना रहे हैं, होर्डिंग बना रहे हैं, उस वक्त हम ये यूज़ कर रहे होते हैं कि हम उसको रेजोल्यूशन बढ़ा दें। ठीक है, अदरवाइज़ जो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है 300। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाके अब यहाँ पर वेब कर दूँ, अगर वेब ले लेता हूँ, ठीक है, क्या हुआ, रेजोल्यूशन क्या आ गया, 72 आ गया। अगर मैं वेब की जगह फ़िल्म कर लूँ तो फिल्म पे भी 72 आ रहा है, अगर मैं वेब मोबाइल ऐप कर लूँ तो ये भी 72 आ रहा है। ठीक है, और जैसे मैं जाता हूँ पेपर्स पे की बात करता हूँ, प्रिंटिंग की बात करता हूँ, तो ये 300 हो गया। क्लियर है, तो इस जब भी हम काम को स्क्रीन के लिए कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा, 72 रेजोल्यूशन रखेंगे। अदरवाइज अगर हम बढ़ा देंगे तो आपका थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है, और फाइल आपकी हैवी हो जाएगी, तो आप क्यों बिलावज, अपना टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब भी आप काम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 72 रखना है। हाँ, कोई फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आपको प्रिंट भी रिक्वायर्ड है, तो आप 300 कर लें, अदरवाइज 72 रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 72 की जगह 150 या 100 करते हैं या 200 करते हैं, तो बिलावज आपका वो टाइम वेस्ट करेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो भी हम स्क्रीन के लिए काम करेंगे, उसका मूड, कलर मूड सेम RGB होगा, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, अच्छा, और अगर हम प्रिंटिंग के लिए, जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये आप विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं इसकी, अपने कैनवस की रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते, नहीं रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, याद रखिएगा। आपने एक अगर एक कोई भी डिज़ाइन बना लिया है और 72 भी बनाए, आप चाहते हैं आप प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग से मुराद ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है, एक घर का प्रिंटर होता है उस पर प्रिंट करेंगे तो डजंट मैटर, मसला नहीं है। ऑफसेट प्रिंटिंग में फिल्में प्लेटें वगैरह बनेंगी
तो उसके लिए ज़रूरी है 300 पहले से लेना है आपने। अगर आप बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे 72 को 300 पे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पहले डिसाइड करना होगा, सही है। अच्छा, कम ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो कम तो कर सकते हैं, मगर कम को ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, कलर मूड आपका जो होगा वेब के लिए, वेब फिल्म ऐप्स, इसके लिए क्या होगा, RGB होगा, रेड ग्रीन ब्लू, पिक्सेलेटेड हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, और जो भी आप इंटरनेशनल पेपर की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, जब प्रिंटिंग पे आएंगे हम तो इसका रेजोल्यूशन, इसका जो मूड होगा वो हम रखेंगे CMYK, सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये आपका जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो इन चार कलर से, बेसिक ये 4 कलर यूज़ होते हैं ना, अपने कलर व्हील भी किया होगा फाउंडेशन में, सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक के साथ ना, तो यही प्रोसेस के बेसिक्स कलर हैं, 4 कलर, सयान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, हम लेआउट बनाने के बाद इसको RGB को CMYK कर दें, CMYK को RGB कर दें या ग्रे स्केल कर लें, वो इशू नहीं है, ठीक है। मगर जो इशू है वो है आपका रेजोल्यूशन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन आपने पहले डिसाइड करनी है, ठीक। तो मैं अभी खैर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमने 72 रख लेना है, और यहाँ मैं इंचेस कर लेता हूँ, ये भी बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, जो बैकग्राउंड जो आपका कैनवस होगा, जो भी आप न्यू फाइल खोलेंगे उसे हम कैनवस कॉल करते हैं यहाँ पर ना, ठीक है। तो वो कैनवस जो होगा वो वाइट उसका बैकग्राउंड रहने दें, ठीक है। उसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट या कोई और कलर भी कर सकते हैं, मगर वाइट इज़ बेटर। तो वो क्यों, क्या वजह है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है। अच्छा, कलर प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अच्छा, ये स्क्वायर पिक्सल्स इसको भी रहने दें, ठीक है। ये फिल्म में वीडियो वगैरह के लिए हम चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ओके कर लेते हैं। अब ये जो भी हमने पैरामीटर्स सेट किए हैं, इन पैरामीटर्स को आप चाह रहे हैं कि ये सेव हो जाए, तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं, ये ये प्रीसेट आपका सेट हो जाएगा, और उसको बाद में आप रिकॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ मैं RGB रखूँगा, ताकि कलर थोड़े ब्राइट नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके कर देते हैं। देखिए, अभी हमने इमेज साइज़ कितना दे रहा है, 1.4 MB, और इलस्ट्रेटर की आपकी फ़ाइल अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत बहुत KB में बनती है, ठीक है। अभी हम फाइल से ओके करेंगे, हमने कुछ काम नहीं किया है, समझ लीजिए 1.5 MB की फ़ाइल बन गई आपकी ये। अगर मैं जाके 300 कर देता हूँ, अगर देखें क्या हुआ, 24 MB, देख रहे हैं साइज़, बिला वजह साइज़ बढ़ गया है। आपने कुछ नहीं किया, अभी कोई कैनवस कुछ पे काम भी नहीं किया। जी 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 बेटा, बोलें। नहीं नहीं, सबकी सेम होगी, सबकी सेम होगी 300, और 300 मैंने कहा है कि जो कमर्शियल प्रिंटिंग है उसके लिए, अदरवाइज़ आप जो होम प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं, 72 कर लें। मगर आप चाहते हैं नहीं, बहुत क्रिप्स आए और बहुत कलर, आप कोई काम कर रहे हैं, कलर प्रिंट निकालना है आपने, तो फिर आप बढ़ा लें उसको, ठीक है। अभी देखें आपको वेट कितना बढ़ा दिया उसने, 72 था तो 1.5 MB था, उसने 25 MB पे ले गया वो, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 72 ही कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर दें। अब ये न्यू फाइल आपके पास, न्यू कैनवस आ गया ब्लैंक, ठीक है, और वाइट कलर हमने लिया था तो ये वाइट कलर आपके पास आ गया, ठीक है। और ये लेयर्स, ये देखें, ये आपके पास लेयर में बैकग्राउंड आपका वाइट आ रहा है, ठीक है, और ये लॉक है, ऑलरेडी लॉक्ड है, ठीक। और अगर मैं एक और फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एंड या कमांड एंड कर लें, मैं एक मिनट अपना एक सॉफ्टवेयर ऑन कर लूँ ताकि आपको कीवर्ड्स नज़र आते हैं, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो खैर आपको वो नज़र आएगा ना, फिर कमांड एंड, देखिए कमांड एंड यहाँ आ गया ना, तो मैक में कमांड यूज़ होता है, PC में कंट्रोल यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, कंट्रोल एंड या कमांड एंड जब मैंने किया है, तो यहाँ देखें कुछ प्रीसेट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, जो मैंने लास्ट यूज़ किए होंगे ना यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं यहाँ जा सकता हूँ, सेव जो मैंने लास्ट सेव किया होगा, सेव मैंने नहीं किया, फोटो साइज़ आ रहे हैं ये डिफरेंट, ठीक है। वही प्रिंटिंग की मैं भी बात कर रहा था, प्रिंटिंग के लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़ हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेटर में डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं आपके पास, वेब के लिए डिफरेंट साइज़ हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप्स आप बना रहे हैं तो आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, जो भी साइज़ हैं उसके डिफरेंट देखें साइज़ आ रहे हैं, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो यहाँ ये डिफरेंट साइज़ हैं, HD, ठीक है, और आपने 4K लेना है या PAL पे करना है, NTSC करना है, ये डिफरेंट साइज़ आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ भी एक साइज़ ले लेता हूँ, वही दोबारा प्रिंटिंग पे आ जाते हैं, और A4 साइज़ में दोबारा ले रहा हूँ, और यहाँ मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा था, मैंने वाइट कलर लिया था, मैं अब यहाँ ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस दिखाना दोनों मुझे,
ठीक है, वही सब यहाँ हम इसका नाम रख सकते हैं। नाम रखने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि सेव नहीं होगा, सिर्फ नाम आ जाएगा और सेव नहीं होगा। सेव जब होगा जब कंट्रोल एस करेंगे और उसको पाथ बताएंगे किस फोल्डर में सेव करना है, जब सेव होगा। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ हम नाम से इसका चेंज करें, यही हम मिलीमीटर पिक्सल इंचेस या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन अपने लेआउट की। अच्छा, अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ और ये आर्ट बोर्ड है, इस कैनवस के अंदर फर्दर अगर आपने पेजेस चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मोबाइल ऐप कर रहा हूँ, तो मोबाइल ऐप में डिफरेंट जो उसके पेजेस होंगे, या वेबसाइट बना रहा हूँ तो डिफरेंट पेजेस होंगे, तो इस तरह ये कर सकते हैं आप, ह्यूज एक अपना कैनवस ले लेते हैं और उसके अंदर आर्ट बोर्ड बना लेते हैं आप। तो ये पुराने वर्जन में ऑप्शन नहीं है, न्यू वर्जन में ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसका रेजोल्यूशन इसका 72 ही कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास आर्ट बोर्ड 1, और देखें ये चेक्स आ रहे हैं यहाँ पर ना, और ये प्रीवियस जो फाइल थी, देखें दोनों फाइल यहाँ खुली, एंटाइटल 1 एंटाइटल 2, यहाँ से आप जंप कर सकते हैं इस तरह। ये 1 पे आ गए हम, ठीक है, ये हमने पोर्ट्रेट में ली थी और वाइट बैकग्राउंड लिया था, और यहाँ आ जाए 2 के ऊपर आ जाए तो हमने क्या किया था, ट्रांसपेरेंट लिया था और इसको लैंडस्केप में लिया था, ठीक है। अच्छा, ये जो चेक्स हैं, चेक का मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, देखें ये जो लेयर 1 आ रही है और लॉक नहीं है, अनलॉक है ये, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक। और जो प्रीवियस फाइल थी इसको मैं देखें ऑल्टर टैब से मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ, ये ऑल्टर टैब से स्वैप हो रहा है, ये शॉर्टकट है, ऑल्टर, सॉरी ये मेरे पास मैक है तो ये कंट्रोल टैब, अपने पीसी में शायद ऑल्टर टैब होगा, ठीक है, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर कंट्रोल टैब से आप स्वैप कर लेंगे। जितने भी आपके पास कैनवसेस ओपन होंगे तो आप ये कैनवस स्वैप कर रहे हैं, ये अभी 2 पे करें, एंटाइटल 2, मैं कंट्रोल टैब कर रहा हूँ तो ये किस पे आ गए, इस पे आ गए, 1 पे आ गए हैं आप, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या विंडो पे आ जाएं और ये भी ऑप्शन आ रहा है 1 और 2, यहाँ मैं 2 सेलेक्ट कर लूँ, अब मैं 2 पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से 1 पे आ जाऊँ, तो ये ऑप्शन हैं आपके पास स्विच करने के। अच्छा, ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसके साथ देखें लॉक आ रहा है, आपने यहाँ कोई काम नहीं करना वाइट के ऊपर, याद रखिएगा, जो भी काम करना है ट्रांसपेरेंट पे काम करना है। मैं इस लेयर को बाहर ले आता हूँ, लेयर को मैं होल्ड करता हूँ, यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लॉक आ रहा है और इस पर मुझे काम नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लॉक नहीं, इसको अनलॉक कर सकता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा, ये अनलॉक हो गया, ठीक है, क्लिक करने से ये अनलॉक हो गया, मगर ये वाइट कलर तो यहाँ मौजूद है ना, अगर मैं यहाँ कुछ भी इसको बनाऊँगा ना तो इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर वो मूव नहीं होगा, इससे अलग नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है हम न्यू लेयर जनरेट करेंगे, इलस्ट्रेटर में जिस तरह था ना, इलस्ट्रेटर में तो ऑटोमेटिक लेयर जनरेट हो जाती थी ना, जो भी आप काम करते थे, यहाँ ऑटोमेटिक लेयर जनरेट नहीं होगी, आपने खुद बनानी होगी लेयर, ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट को अलग लेयर पे बनाना होगा, ठीक है, और अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा देखें। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ आ रहा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, जी, F7 इसका शॉर्टकट है, F7 प्रेस कर लें तो ये लेयर्स आ जाएगी, या फिर विंडो में जाएं और ये लेयर्स, ये लेयर्स, ठीक है, F7 शॉर्टकट है इसका, ये आ गई, ठीक है। ये जितने भी सब विंडोज़ हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में काम करें किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको ये विंडो में ही मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये लेयर्स को, लेयर्स के पैनल ऑन कर लिया, और ये लेयर 01, ये जो प्लस का साइन आ रहा है, ये आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं लेयर्स। आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो ये प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पर एक पेज बना हुआ होगा, छोटा सा पेज जो टर्निंग होगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो न्यू लेयर्स बन जाएगी यहाँ पर। तो मैम लेट्स सी, हिट करते हैं, तो ये लेयर, न्यू लेयर आ गई, और ये चेक्स आ रहा है, चेक्स से क्या मतलब है देखिए, नज़र आ रहा है, ये चेक्स आ रहा है, तो ये इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और इसी तरह प्रीवियस फाइल जो मैंने एंटाइटल 2 खोली थी, इसमें ऑलरेडी लेयर ट्रांसपेरेंट आ रही, क्योंकि हमने जब न्यू फाइल ली थी कंट्रोल एन या कमांड एन, तो यहाँ हमने इसको क्या किया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया था, तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट आ रही है। तो वाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई और कलर भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हम यूजली वाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड पर वाइट रखते हैं और उसे हम लॉक कर देते हैं, लॉक यहाँ से देखें, लॉक कर सकते हैं, ये लॉक, लॉक हो गया, अनलॉक करना है दोबारा हिट कर लें, तो इसे हम लॉक रखते हैं, इसमें हम काम करना नहीं चाहते, क्योंकि
जो भी काम करेंगे वो मर्ज हो जाएगा, मॉडिफाई नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट लेयर पे काम करने का फ़ायदा है क्योंकि वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इस लेयर पे आता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ और इस पर मैं कुछ बना लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर बनाता हूँ, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ, अल्ट्रा बैक स्पेस शॉर्टकट है। तो ये जो कलर क्यूब्स आ रहे हैं ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, जैसे इलस्ट्रेटर में था दो कलर थे, वहाँ तो आउटलाइन कलर था और इनर कलर था, यहाँ पर क्या है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसकी शॉर्टकट ऑल्टर बैक स्पेस, याद रखिएगा ये ऑल्टर बैक स्पेस है। फोरग्राउंड कलर फिल होगा और बैकग्राउंड कलर भी वाइट है, मैं इसको हिट करके कुछ और कलर कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, और कमांड या कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा आपकी जो भी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन में मैंने ये कलर जो है ये मैंने पोर कर दिया है। अब मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ, डीसेलेक्ट बाहर क्लिक करूँगा, डीसेलेक्ट हो गया। अब मुझे इस क्यूब को मूव करना है, तो मैं ये लेता हूँ मूव टूल फर्स्ट वन, और इसे मैं हिट करके ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इसके बाद वाइट भी मूव कर रहा है। सी मैंने कलर इस तरह किया कि मैंने एक सिलेक्शन बनाई, कलर में देखिए मैंने सिलेक्शन बनाई और उसके बाद मैंने ऑल्टर बैक स्पेस, ऑल्टर एंड बैक स्पेस से ये कलर पोर हो गया इसके अंदर। या फिर मैं अंडू कर रहा हूँ कमांड जेड कंट्रोल जेड, या कमांड बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये कलर फिल हो गया, ठीक है। मगर इसका मैंने कंट्रोल डी कमांड डी करके डी सेलेक्ट कर दिया जी। बेटा F7 से नहीं आ रही है? हाँ एक ही यहाँ, अच्छा दूसरी मैंने यहाँ से बनाई ना अभी, ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है ना प्लस का नीचे, जो आपका लेयर पैनल होगा उसके बॉटम पे ये ऑप्शन आ रहा है ट्रैश कैन, और यहाँ पर प्लस की जगह आपके पास तो पुराना वर्जन है तो यहाँ आपके पास पेज बना होगा, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर बन जाएगी, उसको आप क्लिक करते ना आपकी लेयर्स बनती रहेंगी, ठीक है। हाँ ट्रांसपेरेंट ही आएंगी न्यू लेयर्स, ट्रांसपेरेंट ही आएंगी, उसमें कलर नहीं होगा। हाँ ट्रांसपेरेंट आएंगी, उसका एडवांटेज है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ना, वही मैं अंडू कर रहा हूँ और देखें अब मैं इसको अगर मूव करना चाहूँगा तो क्या होगा, एक तो ये दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, ठीक है, और इसके साथ वाइट भी मूव कर रहा है। अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्शन बनाई है क्विक और मैं इसको मूव कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको मूव करूँगा तो ये क्या हुआ, जो वाइट था वो रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ ब्लैक जो रेड था हमारा क्यूब उस वाइट के साथ मर्ज हो गया। तो याद रखें जब भी आप इस तरह कोई काम करेंगे तो वो पीछे वाली जो भी आपके इमेज होगी उसके साथ वो मर्ज हो जाएगा। अगर मैं इसे जूम करता हूँ, आपको जूम करके दिखाऊँ, कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस से आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे पिक्सल नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सल्स के थ्रू बना है ना, ये देखें पिक्सल नज़र आया आपको, ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो ये देखें जो ये ग्राफ है ये पिक्सल्स हैं सारे, तो इन पिक्सल्स पिक्सल्स के थ्रू कंट्रोल देखें ये जब मैंने इसको मूव किया तो इसके पीछे जो वाइट था रेड के पीछे वाइट था उसके साथ पेस्ट हो गया, मर्ज हो गया, और जब मैं इसको ड्रैग किया तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखिए यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट हो गया ना, ठीक है। तो ये इस तरह, तो इसलिए आपको ना मॉडिफाई करने में मसला होगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। देखिए ये जो आई है, आई को जब हिट करेंगे आप तो देखें ये आई को हिट करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा, दोबारा हिट करते हैं तो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और लेयर वन पे आता हूँ। देखिए अभी लेयर वन सेलेक्ट कर ली, पहले ये सेलेक्ट थी लेयर जहाँ क्या किया था, हेलो हाँ, ये बेटा बेटा ये फर्स्ट वन, ये मूव टूल है फर्स्ट वन, ठीक है, और ये हमारा टूल बार है। इसको अभी कोई सिलेक्शन नहीं होगी ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आगे आ रहा हूँ बेटा, पहले इसको थोड़ा लेयर्स को समझ लें फिर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैं ये लेयर ज़ीरो सेलेक्ट है ना, मैं यहाँ हिट करता हूँ तो अब ये लेयर वन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब मैं जाके स्क्वायर सिलेक्शन बना लेता हूँ एक और कलर पोर्ट कर लेता हूँ, ऑल्टर बैक स्पेस, ठीक है, ब्लैक कलर आ गया। अब ये सिलेक्शन को अगर आपने ख़त्म करना है, डी सेलेक्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया भी था, डी सेलेक्ट करने का जी बहुत आसान है। ये सिलेक्शन को ख़त्म करना है, डी सेलेक्ट करना है सिलेक्शन को, वेरी गुड,
कमांड डी मैक में और पीसी में कंट्रोल डी, ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ कमांड डी तो ये डी सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे मूव करना है, तो ये जो फर्स्ट टूल हमारे पास है लेफ्ट, ये मूव टूल है और वही फोटोशॉप है जिस तरह ब्लैक आपके पास जो पॉइंटर था वो था, तो वो वी उसका मूव टूल था, उसका वी ही शॉर्टकट था, ठीक है। और यहाँ भी वी प्रेस करेंगे आप, अगर मैं फर्स्ट पी करता हूँ तो पी पे आप आ गए पेन टूल पे, वही इलस्ट्रेटर में पी से पेन टूल आता था, यहाँ मैं वी प्रेस करता हूँ तो मूव टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कोई और कलर नहीं है तो इजीली ये मूव कर रहा है। अगर मैं जस्ट वीजा, ठीक है, अगर मैं नीचे वाले लेयर को ऑन कर लूँ, लेयर जीरो को मैंने ऑन कर लिया मगर लेयर वन पे मेरा ब्लैक क्यूब है, तो ये देखें इजीली मूव कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंट का ये एडवांटेज है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मैं इसी लेयर पर, मैं नीचे वाले लेयर को बंद कर रहा हूँ, इस किस चीज़ का आगे देखें बता रहा हूँ, देखें बता रहा हूँ, देखें देखें भाई लेयर वन के ऊपर ये आपने बना लिया। अब इसी लेयर पे मैं एक और बना रहा हूँ, मैंने कहा है कि आपने हर ऑब्जेक्ट अलग लेयर पे करना है, मगर मैं गलती से इसी लेयर के ऊपर, इसके ऊपर मैं जो है ना वो सर्कल ले लेता हूँ, होल्ड करें इसको तो ये सर्कल आ गया, एलिप्स, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ कलर पोर कर रहा हूँ रेड वाला, कंट्रोल बैक स्पेस या कमांड बैक स्पेस, ठीक है, ये कलर फिल हो गया बैकग्राउंड वाला। अब डी सेलेक्ट करने के लिए इसी मार्की टूल से बाहर क्लिक कर दें या कंट्रोल डी कमांड डी कर दें, ठीक है। डी सेलेक्ट कर दिया, डी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं मूव करता हूँ, तो दोनों मूव कर रहे हैं, सी मुझे एक मूव करना है ना, तो मूव एक मूव करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट करने के लिए मैं भी फिलहाल शॉर्टकट से कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा किस तरह करना है। अब मैंने मूव टूल ले लिया, अब इसको मैं होल्ड करके जब ड्रैग करूँगा तो ये क्या हुआ, ये हाइट हो गया, पंच हो गया, इसके नीचे चला गया वो, तो ये प्रॉब्लम है। आपने एक लेयर पे एक ही ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है, तो अगर आप एक ही लेयर पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देंगे या उसको डिज़ाइन कर लेंगे तो आपस में इस तरह मर्ज हो जाएंगे, फिर मॉडिफाई करने में मुश्किल होगा आपको, ठीक है। अच्छा अब मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, अंडू का शॉर्टकट क्या था याद है, कमांड जेड कंट्रोल जेड, ठीक है बेटा, वाइट पेपर को वही ना, वो पेस्ट हो जाएगा इसके साथ। अब मैं क्या करूँगा, एक और लेयर बनाऊँगा, मुझे सर्कल में रेड करना है, हाँ तो मैं लेयर टू बना रहा हूँ, बना लेता हूँ यहाँ से लेयर टू, तो ये लेयर टू आ गई। अच्छा लेयर क्या शॉर्टकट भी है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर या कमांड शिफ्ट ऑल्टर और एन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक लेयर बन जाएगी। देखिए लेयर टू है ना, अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखें लेयर थ्री बन गई शॉर्टकट से, तो ये शॉर्टकट है, आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन पर चले जाएँ और ये न्यू लेयर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल एंड या कमांड एंड, यहाँ से अगर हिट करते हैं ना कमांड एंड कंट्रोल एंड तो आपसे फिर डिटेल पूछेगा, सिलेयर्स का नाम कुछ रखना है आपने, कोई कलर देना है, मूड देना है, तो वो आप उसको यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कलर, इसके लेयर्स का नाम, इसको हिट करें, इसको हिट करने के बाद उसको नाम चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, मैं इसको टू कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा हम बात कर रहे थे यहाँ पर टू पर हमने क्या करना है, रेड फिल करना है, कंट्रोल या कमांड बैक स्पेस फिल हो गया। अब मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी या कमांड डी, अब मैं मूव टूल से इसको मूव करता हूँ, सी पेस्ट नहीं हुआ ना इसके ऊपर, क्योंकि ये लेयर ऊपर है और ये लेयर नीचे है, दोनों सेपरेट लेयर्स हैं, ठीक है। अब मुझे अगर ब्लैक को मूव करना है तो मैं ब्लैक वाले लेयर पे आऊँगा, अब मैं ब्लैक को मूव कर सकता हूँ, क्लियर, दोनों का मर्ज नहीं किया ना मैंने, अलग अलग लेयर्स के ऊपर है मर्ज, बेटा एक भी नहीं है, देखें ये लेयर नंबर वन पे ब्लैक वाला क्यूब नज़र आ रहा है, ये देखें लेयर नंबर वन पे ये ब्लैक क्यूब है और लेयर टू पे सर्कल आ रहा है रेड, दोनों सेपरेट लेयर पे ना, ठीक है। अभी मैंने लेयर नंबर वन सेलेक्ट किए तो ये ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, अब मुझे अगर रेड मूव करना है तो मुझे लेयर टू पे जाना होगा, अब ये रेड टू को मूव कर सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट आपका अलग लेयर पे होना चाहिए, अगर एक ही लेयर पे दो ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा, वो मर्ज हो जाएंगे, मॉडिफाई करने में मुश्किल होगी आपको, तो यहाँ से अनलिमिटेड लेयर्स ले सकते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था 95 में तो उस वक्त फोटोशॉप का 2.5 वर्जन था और उस वक्त लेयर्स का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड होता था, जो भी काम किया वो फिक्स हो जाता था और अनडू भी वन टाइम था, अभी अनडू भी आपके पास 1000 टाइम है, ठीक है। आप देखें फोटोशॉप में जाएँ और
इसके प्रेफरेंस में आ जाएँ, सॉरी फोटोशॉप पे जाएँ, प्रेफरेंस में आ जाएँ, ठीक है, और कंट्रोल के कर लें, जो पीसी यूज़र्स हैं कंट्रोल के कर लें कि उनका जो प्रेफरेंस है वो फाइल में होगा, तो कंट्रोल के शॉर्टकट है, यहाँ हम आ जाते हैं, फर्ज करें ये आप डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनरल से हम यहाँ आ जाते हैं, ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन ये हम चेंज कर सकते हैं, कलर जो इसका आ रहा है पूरा ओवरव्यू आपको दिख रहा है ये हम चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह, ठीक है। तो चलिए अभी ग्रे कर लेते हैं। अच्छा वर्क स्पेस वगैरह आपको चेंज कर सकते हैं, टूल्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं खैर अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना है, खैर वो आखिर बाद में देखेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह कंट्रोल के या कमांड के करने से, ठीक है। अच्छा ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं, परफॉर्मेंस ये आपकी मेमोरी, मेरे कंप्यूटर में 8 GB मेमोरी है, ठीक है, लैपटॉप में, तो फोटोशॉप को असाइन किए मैंने 70%, ठीक है, जो अवेलेबल अभी है इतनी है, बाकी रैम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने रैम को यहाँ से ना, कितनी यूज़ करें तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कम कर दूँगा तो स्लो हो जाएगा, अगर मैं बढ़ा दूँगा तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आप फुल कर देंगे तो आप इसके साथ पैरेलल दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सेंगे, ठीक है, तो कम इसलिए रखते हैं क्या कि आपको अगर ब्राउज़र भी यूज़ करना है, इलस्ट्रेटर भी यूज़ करना है तो आप इसको कम कर लेते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद आपके पास जो एक ये हिस्ट्री स्टेटस आ रहा है, अभी जो आप अनडू कर सकते हैं ना वो 50 times बैक जा सकते हैं, 50 times, और इसमें मैक्सिमम आप जो है वो 1000 times बैक जा सकते हैं, 1000 में कर दूं तो मैं 1000 times बैक जा सकता हूं वहाँ पर, ठीक है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है 50 आ रहा है, 50 क्यों आ रहा है, 1000 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 1000 times अगर हम रखेंगे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये अपने रैम में महफूज रखेगा, उससे क्या होगा अपना कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं 50 पे ही रखा हुआ है। अगर आपको इस तरह काम करें जहाँ आपको आप समझते हैं आपको 50 से ज़्यादा अंडू चाहिए होंगे तो आप बढ़ा लें इसको 100 कर लें, 400 कर लें, ठीक है, तो ये आपके हाथ में अंडू, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है इसमें इसकी इसकी जो हार्ड ड्राइव को आपको थोड़ा सा स्पेस खाली चाहिए होता है, वो उसका जो रैम अगर फिल हो जाती है तो उसकी हार्ड ड्राइव को एज ए रैम यूज़ कर रहा होता है, ख़ासतौर पर जो PC यूज़र्स हैं उनकी जो C ड्राइव है जहाँ विंडो इंस्टॉल होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, तो वहाँ सी ड्राइव में स्पेस होना ज़रूरी है। अगर सी ड्राइव में स्पेस नहीं होगी ना तो इनके कोई 10-15 GB तो कम से कम होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर हैंग करेगा, सॉफ्टवेयर हैंग करेगा, ठीक है, तो उसको उसके लिए ज़रूरी है कि आप सी ड्राइव को खाली रखें, थोड़ा स्पेस दें, ठीक। और बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, एक तो ये आपका इसका आप मेमोरी को अप डाउन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर अंडू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जो बाकी डिटेल है मैं बाद में बताऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, चलें ओके। अब मैं दोबारा बताऊँ, कंट्रोल के या कमांड केसेस को आप ऑन कर सकते हैं, यह आ गया और यहाँ हम गए थे परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस के ऊपर, और यहाँ से हम चेंज कर लेंगे रैम अपनी मेमोरी, ठीक है, और ये हिस्ट्री स्टेटस जो अंडू आपका लेवल है, ठीक है, चलें ओके। अच्छा अंडू के लिए कंट्रोल जेड कमांड जेड, अगर मैं देखें कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देखिए अप डाउन हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ तो ये रीडू हो रहा है, यहाँ देख लें एडिट में जाके अंडू और ये रीडू, ठीक है, कमांड शिफ्ट जेड या कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू, और ये अंडू के लिए कमांड जेड, ठीक है। अच्छा तो ये तो सिंपल हो गया, अभी देखेंगे ब्लैक जो आपका क्यूब है ये पीछे नज़र आ रहा है, इसको मुझे ऊपर लेकर आना है, क्या तरीका हो सकता है ऊपर लाने का। हाँ लेयर तो ऑलरेडी चेंज है, दोनों की सेपरेट लेयर्स है, अभी देखिए ऊपर कौन, देखिए पोजीशन तो ये चेंज हो रही है इसकी, जी जी देखिए अभी लेयर नंबर 1 नीचे है और लेयर नंबर 2 ऊपर है, तो जो लेयर ऊपर है उसका ऑब्जेक्ट ऊपर नज़र आ रहा है, सी, और लेयर नंबर 1 नीचे है तो उसका ऑब्जेक्ट नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लेयर नंबर 1 ऊपर आ जाए तो उसको होल्ड करें और ऊपर ड्रैग कर दें, ठीक है, क्यूब ऊपर आ गया ब्लैक, ठीक है। अच्छा इलस्ट्रेटर में याद है शॉर्टकट था ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ऑब्जेक्ट को अगर हमने
पीछे आगे करना होता था सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट, तो क्या शॉर्टकट था याद है जो मैंने वाइवा में भी पूछा था आप लोगों से? जी कंट्रोल ब्रैकेट या कमांड ब्रैकेट, जो पी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये देखें अभी ऊपर है, इसको मैं नीचे करना है तो ये नीचे हो गया, और ऊपर करना है तो राइट ब्रैकेट से ही ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट ब्रैकेट से पीछे जाएगा, राइट से ही ऊपर आएगा, सी ये क्लियर है? और अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर दें, लेयर्स अप डाउन होंगी, देखें अप डाउन हो रही है, तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल, जी जी कंट्रोल ब्रैकेट या कमांड ब्रैकेट से ब्रैकेट राइट ब्रैकेट से ऊपर आएगा, लेफ्ट ब्रैकेट से पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है? अच्छा देखें हमें जब अगर रेड को मूव करना है तो रेड लेयर पर जाना होगा, ठीक है? तो इसका एक आसान तरीका है, जब आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? ये तो डिटेल अलाइन वगैरह की बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, अभी सिर्फ ये सिंपल ये बता रहा हूँ आपको मैं, ऑटो सेलेक्ट, ठीक है? ऑटो सेलेक्ट अभी ऑन है, जैसे मैं ब्लैक पे हिट करता हूँ तो लेयर वन पे आ गए, रेड को हिट करता हूँ तो रेड पे आ गए, ठीक है? तो ऑटोमेटिक वो जंप कर रहा है, हमें यहाँ से जंप करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये ऑप्शन ऑन है, ठीक है? तो मगर ये मैं तो ऑफ ही रखता हूँ, अगर दूसरा दूसरा ये तरीका, राइट क्लिक कर लें आप इसको, कंट्रोल प्रेस कमांड प्रेस करें, सॉरी कंट्रोल प्रेस करें मैक में, और ये राइट क्लिक से आप इसको मूव वो कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं लेयर पे, ठीक है? और अगर ये दोनों इस तरह हो तो आप जब राइट क्लिक करेंगे ऑटो प्रेस करने के बाद या कंट्रोल मैक में, तो इस तरह लेयर टू लेयर वन ये ऑप्शन आपको दे देगा, लेयर वन सेलेक्ट करना है, ठीक है? और अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा तरीका आप यहाँ से कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्लियर है? अच्छा अब बात हो रही थी हमें इसका कलर चेंज करना है, कलर किस तरह चेंज होगा जो आपका सवाल आया था। देखिए कलर चेंज करने के लिए एक तो हम सिलेक्शन बनाएंगे इसकी, एक तरीका ये है कि हम इसकी सिलेक्शन बना लें, इसी के अराउंड हम एक सर्कल बनाएं और इसको कंट्रोल या कमांड अप डाउन एरो कर दें, तो ये क्या हुआ सिलेक्शन हो गई आपकी। अच्छा ये मुख्तलिफ तरीके हैं सिलेक्शन करने के, कलर फिल करने के, तो आपको स्टेप बाई अच्छा मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आपको सारी चीज़ें ना। तो अभी देखें सिंपल मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे सिलेक्शन बनानी होगी, अगर मैं हाफ फेरी का सिलेक्शन कर लेता हूँ तो ये क्या होगा हाफ का कलर चेंज होगा। अब मैं अगर यहाँ कलर जाके मैं ब्लू कर लूँ, ठीक है? और कंट्रोल या कमांड अप डाउन एरो कर लूँ, मैक में अगर हैं तो कमांड दबाएंगे, अगर पीसी में है तो कंट्रोल और देन अप एरो एंड राइट डाउन एरो, ताकि वो पोजीशन अपनी जगह पे आ जाए। अब ये इतना सेलेक्ट हो गया, अब मैं ऑल्ट और बैक स्पेस करता हूँ, कलर फिल हो गया, ठीक है? कंट्रोल डी या कमांड डी, मैं इसको डी सेलेक्ट कर दिया। अच्छा दोबारा देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, मैं डी सेलेक्ट का कंट्रोल डी या कमांड डी, कमांड डी मैक पे कमांड डी है डी सेलेक्ट करने का, ये सिलेक्शन बन गई है। ऑल्ट और बैक स्पेस से मैंने वो सिंपल कमांड प्रेस करने के बाद कर दिया, मैं कमांड प्रेस किया और अप एरो देन डाउन एरो, सिलेक्शन तो अप एरो हो चुकी है, डाउन एरो इसलिए कर रहा हूँ तो एक पिक्सल से अप चला गया है, तो मैं डाउन करूँगा तो वापस ही अपनी जगह पर आ जाएगा, लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है? और टॉप बॉटम भी कर सकता हूँ या बॉटम टू टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो सिलेक्शन बन जाएगी आपकी, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो लेयर है इसका ट्रांसपेरेंट को मैं लॉक कर दूँ, ठीक है? यहाँ मैं हिट करता हूँ ट्रांसपेरेंट लॉक हो गया, अब मैं कलर यहाँ पर येलो करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके येलो कलर आ गया, ऑल्ट और बैक स्पेस, तो कलर देखिए उसमें ही कोर होगा, अदरवाइज़ अगर मैं अनलॉक कर दूँ और अब मैं ऑल्ट और बैक स्पेस करूँगा तो क्या होगा पूरे कैनवस पे कलर पोर हो जाएगा पूरी लेयर के ऊपर, ठीक है? तो मुझे क्या करना है सिर्फ वर्किंग एरिया में करना है, मैं क्या करूँगा ये मैं लॉक कर देता हूँ, अब मैं ऑल्ट और बैक स्पेस करूँगा या कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो रेड कलर हो जाएगा फिर, ठीक है? तो ये लॉक का ये एडवांटेज है, ठीक है? अच्छा एक और तरीका, मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, एक और तरीका जो है ना हम ये बकेट से भी कर सकते हैं, बकेट लें, ठीक है? बकेट से आप कलर पोर कर सकते हैं। अच्छा ये मैं लॉन्ग प्रेस करें, अच्छा इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जी इसका शॉर्टकट है, ठीक है? ये आ गया और इसको कलर पोर्ट करते हैं, हो गया कलर फिल। ये हम पहले भी कर सकते थे, अगर मैं एक न्यू लेयर बना लूँ और एक क्यूब या रेक्टेंगल कुछ बना लूँ और इसमें कलर फिल करना है,
तो आपने क्या किया, जी प्रेस किया, ठीक है। ये बकेट दोनों दोनों बकेट में डिफरेंस है, ये 3D बकेट है ये, ठीक है। ये हम जब 3D मॉडल बनाएंगे, जब मैं बताऊंगा आपको 3D मॉडल पे किस तरह मटेरियल आपने, बेटा ये जी प्रेस कर दें, ये आ गया बकेट ना, जी प्रेस कर दें, सिंपल जी, ये लॉन्ग इसको हिट करें, और ये कुछ हाइट हुए हैं इसके टूल्स ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एडिट टूल, टूल बार में चले जाएँ। अच्छा जी, आ गए हम इसके टूल्स के एडिट में। फॉर एग्जांपल ये लैसो टूल, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो, इसमें एक और लैसो होता है मैग्नेटिक लैसो, उसे देखते हैं कहाँ पर है। हाँ ये रहा, तो ये हम यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, मेन मेन टूल बार में आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ ड्रैग करने से, सॉरी ये इसके अंदर मैं ड्रैग कर लूँ, तो ये इसकी, ये इसके साथ अभी आ गया, इसको चेक करते हैं, डन। और ये लैसो देखें, लैसो पॉलीगन देन मैग्नेटिक लैसो, अगर मुझे इसको मज़ीद कुछ चेंजिंग करनी है, एडिट टूल बार, और ये मैं रिमूव करना है, इसको होल्ड करूँगा और यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यहाँ से निकल गया। अब मैं डन करता हूँ, देखें ये लैसो में सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं। तो इसी तरह आप दोबारा पूरी अपना जो टूल बार है, अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही वाला जो मैग्नेटिक लैसो है, मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूँ, ठीक है, और डन कर दूँ, तो देखें ये एक अलग सेपरेट आ गया, ये दो टूल यहाँ आ रहे हैं और ये एक अलग आ रहा है, ठीक है। मगर ये पॉलीकॉन इसी फैमिली का है मैग्नेटिक भी ना, तो बेहतर है कि इसके साथ हो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको टूल बार में जाता हूँ और इसे होल्ड करके इसके साथ ही ड्रैग कर दें, ठीक है। तो आप मैनेज कर सकते हैं इस तरह। अब देखें जिस तरह ये आपके रेक्टेंगल मार्की टूल्स हैं, अब इसमें ये सिंगल रोज़ होते थे पहले भी, यह नहीं आ रहे, तो इसको उठा के ड्रैग कर लें इसके साथ, ठीक। और इसी तरह अगर आपके पास बकेट टूल है वगैरह वगैरह, जितने भी टूल्स हैं, अब ये 3D बकेट टूल है, मुझे नॉर्मल बकेट टूल के साथ ही ऐड करना है, तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं अपनी टूल बार को, ये उठाएं और इसको उठा के इसके साथ रख दें और ग्रेडियंट भी ले जाएं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, डन कर दें। तो ये आपके पास, ये देखें ये आगे, ठीक है। तो इसी तरह टेक्स्ट टूल में देखें, पूरी फैमिली आपके पास अगर नहीं आ रही देखें, तो आप जाएं इसको भी जाके एडिट कर लें, इसकी पूरी फैमिली ले जाएं टेक्स्ट की, ये देखें ये आगे टेक्स्ट टूल, और यहाँ टेक्स्ट टूल कहाँ आ रहा है आपके पास, ये आ गया टेक्स्ट टूल, तो इसे होल्ड करें और ड्रैग कर दें इसके साथ, ठीक है, ये भी होल्ड करके ड्रैग कर दें। और इसी तरह आपके पास देखें ऊपर जो मुझे आगे बताना है आपको, ये आर्ट बोर्ड है जो मैंने छोड़ दिया ना, मैं अगली क्लास में बताऊंगा आर्ट बोर्ड, तो इसको उठा के हम सेपरेट भी रख सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं इसे मूव टूल में रख रहा हूँ, ठीक है, ओके डन कर दें। आप देखें ये मूव टूल को लॉन्ग प्रेस करें तो इसके अंदर आर्ट बोर्ड भी आ गया, ठीक है, ये मूव टूल हो गया आपका। और जिसके साथ ये कर्सर आ रहा है ना कि टूल के साथ, मीन इसके अंदर फर्दर टूल्स मौजूद हैं, देखिए मैग्नीफाई के साथ नहीं है, इसको लॉन्ग प्रेस करें, इसके अंदर कोई टूल नहीं है। अगर मैं इसके साथ भी ऐड कर दूं टूल एडिट, ठीक है, और ये आ रहा है जूम, मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, रूलर, ठीक है, रूलर टूल ऐड कर देता हूँ ये, ठीक है, दोनों एक साथ हो गए, डन। आप ये देखें दोनों आ गए और ये कर्सर आ गया। तो ये तरीका है अपने टूल बार को एडिट करने का, आप अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। किट लिए आपने, न्यू लेयर बना लिए और जस्ट यहाँ क्लिक कर दें, कलर पोर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने अगर अभी येलो किया, अगर रेड रिक्वायर्ड है तो ये स्वैप हो जाएगा कलर, ये क्यूब नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्क्वायर, ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को हिट करेंगे आप तो ये जो नीचे रेड कलर था ऊपर ऊपर आ गया और येलो वाला नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं कलर पोर कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब अगर येलो पोर करना है, इसको यहाँ हिट करते हैं, येलो पोर कर दें, ठीक है। तो ये कलर स्वैप हो रहा है, इसका शॉर्टकट एक्स है, एक्स, ठीक है, एक्स दबाने से ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमें डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर लें या मार्कर टूल से बाहर क्लिक कर लें। तो ये आपने देख लिया किस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हाफ पोर्शन का करना है, अब यहाँ भी मुझे हाफ पोर्शन करना है तो मैं हाफ को सेलेक्ट कर लूँगा, हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं लॉक कर लूँ, और अब मैं बकेट से जाके इसको या आउटर बैक स्पेस से पोर कर लें, ठीक है। तो ये तरीका है आपका
ये यहाँ क्लिक किया मैंने, अनलॉक लॉक, ठीक है। अच्छा चलें मैं कर लेता हूँ, ये मैं तीन लेयर्स हैं इनको मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज किस तरह किया बाद में बताऊँगा। यह क्या हुआ, ये एक ही लेयर पे तीनों आ गए, लेयर टू पे, ठीक है। अब कौन सा चेंज करना है बताएं मुझे, किसका कलर चेंज करना है, ब्लैक का कर लेते हैं, ये ब्लैक को मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। दो तरीके, एक तो ब्लैक को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको लॉक कर लूँ, ठीक है। लॉक करने के बाद मैं ऑल्टर बैक स्पेस, हो गया रेड कलर फिल हो गया। या दूसरा तरीका, अंडू करो, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, अनलॉक किया। अब वही कंट्रोल या कमांड अप डाउन एरो, ठीक है, सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं पोर कर लूँ कलर या ऑल्टर बैक स्पेस कर लूँ, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, क्लियर है। दोबारा देख लें, मैं अंडू कर रहा हूँ, ये ब्लैक है आपके पास और डी सेलेक्ट कर लिया मैंने। मुझे इसमें कलर हाफ भी कर सकते हैं, मैं हाफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हाफ सेलेक्ट किया मैंने और ये मैंने लॉक कर दिया, ट्रांसपेरेंट को लॉक किया, ऑल्टर और बैक स्पेस, हाफ में कलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका मार्कर टूल, इसको लॉन्ग प्रेस करें, लॉक का शॉर्टकट ये डायरेक्ट यहाँ से करना होगा आपको, ठीक है। नहीं यहाँ से करेंगे पूरी लेयर लॉक बेटा, ये देखें लॉक में चार ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके पास, ट्रांसपेरेंट लॉक, ब्रश लॉक, मूव लॉक, आर्टबोर्ड लॉक, और ये अगर यहाँ हिट करते हैं तो चारों एक साथ लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल मूव करना है, लॉक करना है आपने, तो यहाँ इस तरह मूव लॉक करेंगे आप, ठीक है। ये मूवमेंट में लॉक कर दिया, मूव नहीं होगा ये, देखिए मूव मूव ले ले तो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी एरिया, तो वर्किंग एरिया पर काम हो रहा है फिर, क्लियर है। अच्छा आगे चलें, मूव टूल आप समझ गए किस तरह हमने ऑटो सेलेक्ट से लेयर सेलेक्ट किए। और अगर और कोई सवाल है मैं आगे चलूँ, बताएं यहाँ पर। अगर मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ अप डाउन एरो से, तो मुझे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप डाउन से मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसकी सिलेक्शन बन गई है, अब मुझे ट्रांसपेरेंट लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं कलर डायरेक्ट पोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ, अब अगर मैं ऑल्टर बैक स्पेस करूँगा तो क्या होगा, पूरी लेयर पर कलर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉक कर लेता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ जो भी इसमें कलर्स कलर्स हैं, जितने कलर्स हैं वो चेंज होंगे। मैं इसको ब्लू ब्लू कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आएगा, ये मैंने ब्लू कर लिया। अब मैं ऑल्टर बैक स्पेस करूँगा, सबका कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये एक लेयर पे है ना, क्लियर है। अगर मुझे इंडिविजुअल मूव करना है, कलर चेंज करना है, अब मैं ये सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, देन मैं जाके ऑल्टर बैक स्पेस, अब ये इसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तो एक काम करें, इसको प्रैक्टिस करें। देखिए जब हम मार्कर टूल लेते हैं तो मार्कर टूल के ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और जब मैं मूव टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो मूव टूल के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैंने आपको ऑटो लेयर्स बताया था अभी। तो ये मार्कर टूल पे आते हैं, मार्कर टूल के कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर ना। तो एक तो ये सिंपल हम सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कलर पोर करना है या आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है तो इसके थ्रू आप कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और मुझे इसका हाफ एरिया डिलीट करना है, तो मैं इतना एरिया ये इतना एरिया में डिलीट करना है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट प्रेस कर दूंगा तो ये एरिया डिलीट हो गया। या मुझे मूव करना है तो मैं इसे मूव टू लूँगा और ये सेपरेट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट हो गया आपका जो भी सिलेक्शन थी, और ये सेलेक्शन ये एरिया अगर मुझे डिलीट करना है उसके लिए बता रहा हूँ। अच्छा अगर आपने मार्कर टूल, जी वापस बताता हूँ मैं आपको, अगर मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है, इतना मुझे डिलीट करना है, सिलेक्शन करने के बाद आप डिलीट प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से या बैक स्पेस, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैं लेयर सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद लेयर सेलेक्ट नहीं थी तो वो नहीं होगा, अगर लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो, ठीक है, तो वो नोटिस दे देगा आपको, तो ये ज़रूरी आप उस लेयर पर आपने सेलेक्ट किया उस लेयर को, ठीक है। अच्छा इसका अगर मैं मूव टूल पे खड़ा हूँ, मुझे मार्कर टूल चाहिए, मार्कर टूल की शॉर्टकट है एम, सिंपल एम प्रेस कर दें तो मार्कर टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको लॉन्ग प्रेस करें मार्कर टूल को तो एलिप्स आ रहा है इसमें, ठीक है, इससे आप सर्कल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अपने सर्कल बना लिया, इसमें कलर पोर्ट कर लूँ, या ये एरिया मुझे डिलीट करना है जो सिलेक्शन में आ रहा है, ये रिमूव हो जाएगा बैक स्पेस से या डिलीट से, ठीक है। अच्छा इसके साथ मैं दोबारा रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ,
और देखिए एक तो ये नॉर्मल आपके पास आ रहा है सिलेक्शन, उसके बाद ये आपके पास है ऐड सिलेक्शन। ठीक है, मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, इस सिलेक्शन में मुझे अगर एक और सिलेक्शन ऐड करनी है तो आपने क्या करना होगा, इसको हिट करना होगा। अदरवाइज़ अगर ये हिट नहीं करेंगे आप, तो जैसे आप ऐड करने जाएंगे तो ये सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी प्रीवियस। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, या तो शिफ्ट प्रेस कर लें या फिर यहाँ हिट कर लें। और अब देखिए मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ऐड हो गई। ठीक है, ये सिलेक्शन ऐड हो गई। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरह आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब ये एक नया शेप बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ मार्की टूल, ओके दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल डी या कमांड डी, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और मैंने एक नॉर्मल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन यहाँ से ले रहा हूँ, न्यू सिलेक्शन। अब इसमें मुझे एक और सिलेक्शन ऐड करनी है, तो मैं यही चाहूँगा, यहाँ से ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है। अब देखिए ये ऐड सिलेक्शन, देखिए इसके साथ ये ऐड हो गई सिलेक्शन। अब मैं कलर अगर फिल कर लूँ, एक न्यू लेयर मैंने ले ली, लेयर टू, और कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ ये पी तो बन गया है, मगर इसके जो सेंटर है यहाँ पर एक जो ट्रांसपेरेंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए जब मैंने ये सेलेक्ट किया है तो मेरे कर्सर के साथ देखें क्या आ रहा है, देखें प्लस आ रहा है, प्लस नज़र आ रहा है, कर्सर के साथ प्लस आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये सब्ट्रैक्ट है, माइनस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं नीचे यहाँ के, अब देखें अब क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इतना एरिया माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए एरिया। ठीक है, तो क्या हो, ये माइनस हो गया इसके साथ। अब मैं कलर पूर्ड करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस या कमांड बैक स्पेस से। सेलेक्ट करके हमने वो हट, वो तो हट जाएगा ना, ये तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना। और इसी तरह ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट क्या करता है, जो एरिया देखिए मल्टीप्लाई के साइन आ रहा है, जो एरिया ओवरलैप करेगा, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। ये देखें, ठीक है, जो एरिया ओवरलैप करेगा वो रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। सी, ये इतना यूज़ नहीं होता, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूज़ होता है। ठीक है, दोबारा 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 बता रहा हूँ, एक मिनट देखें। देखिए एक ये सिलेक्शन है, मैं काम कर रहा हूँ नीचे ना, एक नीचे वाली लेयर पे वाइट कलर फिल कर रहा हूँ, ताकि आपको नज़र आए सिलेक्शन। ज़रा अब नज़र आ रही सिलेक्शन? ठीक है, लेयर टू सेलेक्ट कर ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड करनी है। मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है, ये कर्सर है जिससे आप सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक और सिलेक्शन ऐड करनी है। मैं अगर यहाँ जाके सिलेक्शन ऐड करता हूँ, सिलेक्शन ऐड नहीं हो रही, तो मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कोई की वर्ड दबाया नहीं, कोई भी कीबोर्ड शिफ्ट या ऑल्टर वगैरह कीवर्ड। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, देखें क्या हो रहा है, शिफ्ट प्रेस करने से प्लस का साइन आ रहा है, ये ऐड कर देगा। देखें यहाँ पर कर्सर नहीं आ रहा, वो एरो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ, यहाँ क्या आ रहा है, एरो आ गया। एरो का मतलब है ये सिलेक्शन को मूव करेगा। अगर सिलेक्शन मूव करवानी है, टूल कौन सा सेलेक्ट है, मॉलिक्यूल टूल सेलेक्ट है, मूव टूल सेलेक्ट नहीं, ये मॉलिक्यूल टूल सेलेक्ट है। तो मॉलिक्यूल टूल जब सेलेक्ट होगा तो आप इसकी अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और जब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये ऐड का साइन आ गया। अब मैं होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो ये एरिया उसमें ऐड हो गया। इसी तरह ये एरिया ऐड हो गया। ठीक है, ये एरिया ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है, और अगर माइनस करना है तो आप ऑल्टर प्रेस कर लें तो ये माइनस हो जाएगा एरिया, सॉरी ये माइनस हो गया। ठीक है, और इतना एरिया माइनस कर दिया आपने। इसी तरह ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने क्या किया था, ऑल्टर प्रेस किया था, और यहाँ हमने सिलेक्शन के अंदर एक सिलेक्शन बना ली थी, ये यहाँ भी सिलेक्शन बना लें इसके अंदर, सॉरी कर सकते हैं। वो सिलेक्शन माइनस नहीं होगी, वो आपका कलर माइनस होगा, डिलीट होगा वो। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन से आप मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ऑल्टर बैक स्पेस कलर फिल हो गया। ठीक है, बाकी जो एरिया ये ट्रांसपेरेंट है,
जो वाइट नज़र आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट एरिया है, ठीक है। तो क्लियर है, नॉर्मल सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करने के साथ प्लस और ऑल्टर के साथ माइनस, और कुछ भी प्रेस नहीं होगा तो ये मूव कर रहा होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो एक काम करें, इसको ज़रा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल के कमांड के, और ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ इस लेयर पे, एक और लेयर, और हम बात कर रहे थे सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन, फर्दर सिलेक्शन किस तरह ऐड करना है और माइनस किस तरह करना है ऑल्टर प्रेस करने के बाद, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने ये सिलेक्शन बनाई है, इसके साथ मैं चाह रहा हूँ सिलेक्शन ऐड करूँ मगर सर्कल हो, तो ये सर्कल ले लें और शिफ्ट प्रेस कर लें, तो एक ही बात है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही हो, सर्कल भी हो सकता है। इस तरह मुझे माइनस करना है, एरिया माइनस हो गया, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी, आगे ये फेदरा आ रहा है। अभी अगर मैं कलर फिल करता हूँ और ऑल्टर बैक स्पेस कलर फिल किया, कोई और कलर ले लेते हैं, तो ये अभी बिल्कुल इसकी जो एजीज हैं देखिए उनको सॉलिड टाइम है। इसको जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस कमांड प्लस से आप इसको जूम करें, देखें एजीज के बिल्कुल सॉलिड आ रहे हैं। हमें इसको अगर हमें सॉफ्ट चाहिए तो अंडू कर रहा हूँ मैं, अंडू और डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं फेदर की वैल्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है, 15। और अब मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ और अल्टर बैक स्पेस से कलर फिल कर रहा हूँ, तो देखें सॉफ्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ फेदर से आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं एजेस को, और चाहे वो कोई भी शेप हो, नहीं हाँ नज़र फिल करने के बाद आएगा, मगर आपने फेदर की वैल्यू पहले देनी होगी सिलेक्शन करने से पहले। देखिए अगर मैं सिलेक्शन करने के बाद दूंगा, मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, पहले मैं फिल कर लेता हूँ, सिलेक्शन बना लेता हूँ, अब मैं फेदर अप्लाई करता हूँ और अब मैं कलर पोर कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन दोबारा बनानी होगी, दोबारा सिलेक्शन बनाए, अब कलर पोर करेंगे आप, सी सॉफ्ट हो गया। और अगर आप भूल जाते हैं, सिलेक्शन बना लेते हैं भूल जाते हैं, तो उसका तरीका अलग है, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये आपने देख लिया कि कलर किस तरह आपने फेदर करना है, ये ऑप्शन है आपके पास, और मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। इसके अलावा आगे आ जाएं, स्टाइल आ रहा है, अभी नॉर्मल है, आप नॉर्मल कुछ भी फ्रीली बना सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल में कुछ, ठीक है, फिक्स रेशियो अगर आपने करना है तो 1:1, यानी कि जो विड्थ होगी वही हाइट होगी, विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, इक्वल इक्वल होगी। देखिए मैं कुछ भी मैंने प्रेस नहीं किया है, ठीक है। और अगर मैं 2:1 कर दूँ तो विड्थ डबल होगी, हाइट सिंगल होगी उसकी, सही ऑटोमेटिक ये बन रहा है, मैंने कोई प्रेस नहीं किया कोई बटन। अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह कर सकते हैं रेशियो वाइज, अदरवाइज फिक्स साइज़ है। आप चाह रहे हैं कि 64 पिक्सल्स का क्यूब बन जाए तो ये बन गया जस्ट क्लिक करने से, या आप चाह रहे हैं कि 5 इंच बाय 5 इंच का हो तो आप 5 IN करें और 5 IN कर दें एंटर और जस्ट क्लिक करें, और ये कंट्रोल ज़ीरो, ये कमांड ज़ीरो, ये 5 इंच का आपके पास सिलेक्शन आ गई है। अच्छा, शुरू में हमने बताया था रूलर को यूनिट किस तरह चेंज होगा, कंट्रोल आर या कमांड आर से आपका ये रूलर ऑन हो गया, और राइट क्लिक करें, अभी ये पिक्सल्स में आ रहा है, इसको आप इंचज में कर लें, ठीक है। मैक में कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने राइट क्लिक करना होगा, ठीक है, तो आप ये यूनिट इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, अगर मैं यहाँ 2 कर लेता हूँ, 2 इंच बाय 5 इंच, ठीक है, तो ये देखिए 2 इंच बाय 5 इंच का ही बॉक्स बनेगा, क्लियर है। स्टाइल में फिक्स साइज, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है, और ये मूव टूल भी आपको बेसिक आपने देख लिया और मॉलिक्यूल टूल भी देख लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसकी फर्दर डिटेल बताऊंगा, और ये भी एक सिलेक्शन के टूल्स हैं, लैसो टूल और पॉलीगन लैसो, ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे।